मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बूढ़ा पुष्कर तीर्थ के उद्धार के लिए बेहद गंभीर हैं। बारिश से पहले पुष्कर फीडर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, यह विश्वास धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने दिलाया। उन्होंने तपती धूप में गुरुवार को ग्रामीण अंदाज में चारपाई पर बैठकर सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ ही बारिश से पहले फीडर निर्माण कार्य पूरा करने के दिशा निर्देश प्रदान किए। लखावत ने मुख्य फीडर का जायजा लेकर अधिकारियों के सामने आने वाली किसी भी बाधा के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा कि इसी सप्ताह मुख्यमंत्री बूढ़ा पुष्कर तीर्थ के विकास को लेकर समीक्षा करने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से अब यह बैठक अगले सप्ताह होगी। लखावत ने कहा कि बहुत जल्द ही इन फीडरों से पानी बूढ़ा पुष्कर तीर्थ को मिलना शुरू हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों का आभार भी जताया, जिनके सहयोग से इतना बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने जा रहा है। बैठक में उपमहापौर संपत सांखला, सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता दिनेश कुमार, एक्सीएन अमरचंद, सहायक अभियंता प्रदीप सारस्वत सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सामान्यतः स्थानीय सहयोग न हो तो कई बार सरकारी योजना बनती पर बाधाएं आती है, इसलिए तो नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 80% से अधिक काम हो गया और सामने वाले की खुदाई चालू हो गई, तो उसमें आसानी का काम है। कोई बहुत वैसा काम नहीं है कि जिसमें कोई मल्टीपल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहे हों या फॉरेस्ट इन्वॉल्व हो रहा हो, और वो काम भी आज उसकी खुदाई वुदाई वाला काम चालू कर रहे हैं। पर हम इस वर्षा से पहले 100% काम पूरा करने के टारगेट।